हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अनपिवट ऑपरेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पिवट ऑपरेटर के बारे में। तो पिवट ऑपरेटर का काम ये है कि यहाँ पे जो भी ओ इसको मिलता है और रोज उसको कन्वर्ट करता है कॉलम में। जैसे यहाँ पे हम आपको अपना टेबल दिखा देते हैं, ये मेरा टेबल है, ठीक है। तो ये टेबल है, तो यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड है। तो जैसे यहाँ पे इसको रो मिला रयान मैक्स रसेल, तो इसको कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे कॉलम में। या फिर यहाँ पे ईयर में आप अप्लाई करेंगे 2010, 2011, 2012, तो ये सब रो है, तो इसको कन्वर्ट करता है ये कॉलम में। तो चलिए इसका एग्जांपल हम थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पे। ऐसे आप मेरा लास्ट वीडियो भी आप देखिए, चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए, ये रयान रसेल ये कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे, रो था ये कन्वर्ट हो गया कॉलम में। उसी तरह से 2010, 2011, 2012 जो कि रो वैल्यू था ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे कॉलम में। लेकिन यही अनपिवट ऑपरेटर में होता ये है कि कॉलम को ये इट टर्न्स कॉलम इनटू रोज। कॉलम का जो भी वैल्यू होता है, जैसे कॉलम यहाँ पे ये सब जो चीज है 2011, 2012 ये सब कॉलम वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करता है यहाँ पे रोज में। तो यहाँ पे देखिए हम और टेबल यूज कर रहे हैं अनपिवट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड है, यहाँ पे इंडिया है, चाइना है, यूएस है। तो हम मुझे ऐसा चाहिए कि इंडिया, चाइना जो भी ये कॉलम यहाँ पे इसको रो में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए आप तो यहाँ पे अनपिवट ऑपरेटर यूज कीजिए। चलिए पहले एक्सिक्यूट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कंट्री इंडिया, चाइना, यूएस, इंडिया, चाइना, यूएस, माइक माइक केवे, उसके बाद ये सब यहाँ पे मनी है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अगर हम इसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं सेलेक्ट फ्रॉम अनपिवट, तो यहाँ पे हम अनपिवट सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे नेम। तो नेम जो कि एक्चुअल कॉलम है अनपिवट और टेबल को, उसके बाद कंट्री और मनी, ठीक है। तो कंट्री और मनी जो हो, ये दोनों कॉलम जो है अनपिवटेड कॉलम है, ठीक है, जो कि अनपिवट ऑपरेटर ने इसको दिया है। तो यहाँ पे देखिए अनपिवट, यहाँ पे मनी है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर तो कंट्री, कंट्री इन इंडिया, चाइना और यूएस, तो कंट्री में हम ये तीन वैल्यू हम डाल रहे हैं। तो इसलिए अगर हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं, तो ये देखिए कंट्री के अंदर इंडिया, चाइना, यूएस आ गया, इंडिया, चाइना, यूएस आ गया। और यहाँ पे अगर मान लिया कि यहाँ पे मनी को हम मनी वन कर दें, तो यहाँ पे आपको एरर यहाँ पे शो करेगा। चलिए एक्सिक्यूट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे रेड कलर आ गया, इनवैलिड कॉलम नेम। मतलब ये है कि आप जो भी अनपिवट ऑपरेटर के अंदर जो यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कॉलम प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों वैल्यू हमेशा बराबर होना चाहिए। या फिर यहाँ पे कंट्री वन भी डाल देंगे, ये दोनों यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पे और कंट्री और मनी जो कि अनपिवटेड और कॉलम है, और यहाँ पे नेम जो है एक्चुअल कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए अनपिवट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, उसके बाद मनी, उसके बाद फोर कंट्री से हम क्या दे रहे हैं कंट्री में। तो यहाँ पे कंट्री में देखिए, जैसे हम इसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं, तो हमको ये तीन को चीज को हमको कन्वर्ट करना है। तो कंट्री में हम इंडिया, चाइना, यूएस भी दे दिए यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ दो डालना है, चलिए एक्सिक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कंट्री में इंडिया, चाइना ही आया, ठीक है। अगर आपको तीन चार डालना है, जो भी डालना है, इसके रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे डालिए, ठीक है। कंट्री में जो जो होता है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सारा चीज है अनपिवटेड ऑपरेटर में, कि यहाँ पे कॉलम जो भी होता है, ये सब कॉलम है, यहाँ पे जो भी कॉलम है उसको टर्न करता है रोज में, और ये जो है एक्चुअल कॉलम है और ये पिवटेड कॉलम है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रॉम ये टेबल लिए अनपिवटेड ऑपरेटर, यहाँ पे मनी, उसके बाद फोर, तो कंट्री के अंदर, तो कंट्री के अंदर ये सब चीज आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कंट्री इन, और यहाँ पे जो नाम है ये नाम यहाँ पे अनपिवटेड में सेम होना चाहिए, और ये टैब जो है वो एलियास है यहाँ पे, इस पार्ट के लिए एलियास है। तो ये चीज है यहाँ पे अनपिवटेड कॉलम में इन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा और समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।